दतिया में पंजाब नेशनल बैंक से किसान के 1,70,000 रुपए कैश काउंटर से जमा करते समय चोर बैग काटकर निकाल ले गए। जमा फॉर्म भरते समय चोर रुपए बैग से निकाल ले गए पैसे। सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोर नजर आए। दतिया शहर के पंजाब नेशनल बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड के रुपए जमा करने के लिए बैंक में पहुंचे किसान के बैग को चोरों ने ब्लेड से काट कर 1,70,000 रुपए चोरी कर लिए हैं। जिस समय चोरों ने किसान के रुपए चुराए उस समय बैंक में बहुत भीड़ थी। इसी का फायदा उठाकर चोर किसान का 1,70,000 रुपए किसान के बैग से निकाल ले गए। घटना दतिया पंजाब नेशनल बैंक गांधी रोड की है। किसान अखिलेश यादव निवासी ग्राम खरा अब किसान क्रेडिट कार्ड के रुपए जमा करने के लिए बैंक आया था। आज बैंक में भीड़ कुछ ज़्यादा थी। कैश काउंटर पर भीड़ अधिक होने का फायदा चोरों ने उठाया और किसान के बैग से 1,70,000 रुपए निकाल लिए। सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोर दिखाई दिए हैं। जब बैंक कर्मियों ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो दो युवक किसान का थैला काटकर चोरी करते हुए देखे पैसे ले जाते दिखे। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैंक के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नाम है मेरा और मैं यहाँ पे जी गीता यादव के नाम से खाते में केसीसी खाते में पैसे जमा करने आया था अपनी माता के नाम और बैंक वालों ने तीन तीन चक्कर लगवाए मुझसे, तीन तीन फार्म भरवाए जिसके पश्चात ही ये पैसे जमा नहीं हुए और पूरा पैसा मेरा ब्याज का था और इन्हीं की मिली भगत से पैसे निकले हैं। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, तीन तीन जगह से तीन घंटे का ऑपरेशन कर रहे थे मेरा और पैसे निकलवा रहे हैं। बैंक मैनेजर फरार हो गए यहाँ से। आपने शिकायत की तो क्या हुआ? भाग गए वो यहाँ से, कुर्सी छोड़ के चले गए ऑफिस छोड़ के। आपने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए क्या? जी करवा लिए। उसमें कोई दिख रहा है? उसमें बिल्कुल दोनों आरोपी दिख रहे हैं अंदर से, चोर जो अंदर से ले जा रहे पैसे। आपने पुलिस को कोई शिकायत नहीं, आवेदन दिया है क्या? आवेदन दे दिया, 100 नंबर लगा दिया, आए थे पुलिस वाले।